हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, मतलब जो द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी है उसकी हम जो है वो विशेषता देखने वाले हैं कि इसमें जो है वो कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो 8 प्रॉपर्टीज है वो मैं आप लोगों को जो है वो बताने जा रही हूँ। और ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम में जो है वो आ सकते हैं और काफी टाइम जो है वो पूछे भी जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे धात्विक गुण, ये जिसे हम कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। उसके बाद हम सेकंड देखेंगे गलनांक तथा क्वथनांक, मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड हम देखेंगे परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या, मतलब एटॉमिक एंड आयनिक रेडी। फोर्थ में देखेंगे आयनन ऊर्जा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जीज। पांचवे नंबर में हम देखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट्स। छठवे नंबर में हम देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के कलर के बारे में। और सातवें नंबर में हम देखेंगे इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब चुंबकीय गुण। सो गाइस, ये जो आपका टॉपिक है इस चैप्टर का जो है वो थर्ड नोट्स है। बाकी नोट्स आप लोगों को बीएससी सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे, तो चेक जरूर करें। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट का यहाँ पे जो है वो आप पोजीशन देख ही रहे हो। जितने भी हाईलाइट हुआ है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो जैसा कि हम फर्स्ट वाले चैप्टर में फर्स्ट सीरीज के प्रॉपर्टीज के बारे में जो है वो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेकंड एंड थर्ड सीरीज के बारे में बताऊंगी। तो सेकंड सीरीज में आपका 39 एटॉमिक नंबर से लेकर के 48 एलिमेंट, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट आते हैं वो सारे आपके सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के अंतर्गत आते हैं, मतलब द्वितीय संक्रमण श्रेणी जो है वो कहलाते हैं। और तृतीय संक्रमण श्रेणी मतलब होता है आपका 57 से लेकर के 80 तक के यहाँ पे जितने भी एलिमेंट आते हैं वो आपका तृतीय संक्रमण श्रेणी या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है वो कहलाते हैं। तो यहाँ पे आज हम फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज दोनों के बारे में जो है वो जितने भी यहाँ पे 20 एलिमेंट है उनके बारे में जो है वो आज हम जो है वो प्रॉपर्टीज जो है वो देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं धात्विक गुण, या जिसे हम कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। तो जब भी आप लिखते हो तो हमेशा जो है वो पॉइंट बना करके लिखा कीजिए, इससे आपको एग्जाम में जो है वो अच्छे मार्क्स तो मिलते ही हैं, साथ में जब आप किसी टॉपिक को जो है वो याद करते हो तो आप लोगों को बहुत जल्दी जो है वो ये याद हो जाता है। और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहते हैं उस पे आप जो है वो अंडरलाइन जरूर किया कीजिए, इससे भी काफी अच्छा इम्प्रेशन जो है वो पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, हम मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में जो है वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी, मतलब सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के सभी एलिमेंट जो है वो धातु या मेटल होते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में देखा था, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो अधिकतर जो है वो मेटल होते हैं, मतलब वो जो है वो धातु होते हैं। तो धातु अगर होते हैं, मेटल होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वे अत्यंत कठोर होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं। अब जैसा कि आपको पता ही है कि जो मेटल होते हैं, धातु होते हैं, वो कठोर होते ही हैं, लेकिन इसमें जो अपवाद एलिमेंट है वो है मरकरी। तो जैसा कि आप जानते ही हो, मरकरी जो है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। तो मरकरी को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में, वो जो होते हैं वो कठोर ही होते हैं। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, सभी एलिमेंट ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। अब ये मेटल है, हार्ड है, तो स्वाभाविक सी बात है ये जो है वो हीट और जो इलेक्ट्रिक होते हैं उसके जो है वो सुचालक होते हैं, मतलब इसमें आसानी से जो है वो आपका करंट सप्लाई जो है वो हो सकता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, इसके अतिरिक्त इसमें जो है वो धात्विक बंध या मेटेलिक बॉन्ड जो है वो पाया जाता है। मेटल है तो इसमें मेटेलिक बॉन्ड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आगे देखते हैं, अन्य धातुओं के साथ जो है ये मिश्र धातु जो है वो बनाते हैं, मतलब अगर हम इसे किसी अन्य मेटल के साथ मिलाएं तो ये एक प्रकार का नया प्रकार का मेटल जो है वो बना लेते हैं, जिसे मिश्र धातु कहते हैं। तो ये तो हुआ आपका मेटेलिक कैरेक्टर। इसमें हम लोगों ने ये जाना कि डी ब्लॉक एलिमेंट के जितने, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे अधिकतर जो है वो मेटल होते हैं, केवल आपको इसमें मरकरी को जो है वो अपवाद एलिमेंट के रूप में जो है वो याद रखना है। तो ये हुआ गाइस आपका आज का आपका मेटेलिक कैरेक्टर। उसके बाद हम सेकेंड देखेंगे इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम इसका सेकेंड प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, गलनांक तथा क्वथनांक, मतलब इसका मतलब होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट का गलनांक क्वथनांक जो है वो उच्च होता है। तो क्यों हाई होता है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट?
क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि ये जो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं अधिकतर वो जो होते हैं वो मेटल होते हैं, मतलब धातु होते हैं, और ये बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। और अगर हम मेटल जो कि कठोर होते हैं अगर हम उसे बॉइल करें या फिर मेल्ट करें तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जो है वो नीड होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट के अधिकतर एलिमेंट का जो गलनांक क्वथनांक होता है वो उच्च होता है। तो इसका मेन कारण यही है कि डी ब्लॉक के अधिकतर एलिमेंट जो है वो मेटल होते हैं, मतलब सारे एलिमेंट ही जो है वो मेटल होते हैं, केवल एक दो एलिमेंट को जो है वो छोड़ करके। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट का गलनांक क्वथनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफी हाई होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि टैंटेलम, तो इसका जो गलनांक होता है वो होता है 3000 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर हम इसे गलाएं या फिर इसे हम मेल्ट करें तो हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जो है वो आवश्यकता होगी, क्योंकि ये कठोर धातु, कठोर मेटल, हार्ड मेटल जो है वो होते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें टंगस्टन की, तो इसका जो मेल्टिंग प्वाइंट होता है 3410 डिग्री सेल्सियस होता है। तो गाइस यहाँ पे जितने एलिमेंट है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट के, आपको इसका नाम भी याद करना काफी जरूरी है। तो आई होप अभी तक आप लोगों का प्रैक्टिस हो चुका होगा इनके नाम का। उसके बाद हम देखते हैं कुछ अपवाद एलिमेंट ऐसे हैं जिनका जो मेल्टिंग प्वाइंट होता है काफी कम होता है। जैसे कि अगर हम बात करें लैंथेनम का, तो इसका केवल 920 डिग्री सेल्सियस, और सिल्वर का जो है वो 961 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अधिकतर डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका जो मेल्टिंग प्वाइंट होता है वो 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही होता है। केवल यहाँ पे आप दो एलिमेंट ऐसे देख रहे हो जिनका जो है वो 1000 डिग्री सेल्सियस से जो है वो कम है। उसके बाद अगर हम और भी कुछ अपवाद ऐसे अपवाद हैं जैसे कि जिंक और कैडमियम, तो इनका भी आप देख रहे हो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है 420 डिग्री सेल्सियस और 321 डिग्री सेल्सियस, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। और अगर हम बात करें मरकरी का, तो आप समझ सकते हो कि अगर हम उसको रूम के टेम्परेचर में रखें तो वो भी जो है वो लिक्विड के समान रहता है। तो आप समझ सकते हो कि मेल्टिंग प्वाइंट कितना कम होगा। तो कहने का मतलब है केवल 3-4 एलिमेंट को छोड़ करके डी ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक मतलब सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग प्वाइंट होता है काफी ज्यादा होता है। तो ये तो हुआ गाइस आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग प्वाइंट। तो यहाँ पे आप लोगों को छोटा सा ट्रिक ये याद रखना है कि अगर कोई भी एलिमेंट जैसे कि धातु है, मेटल है, हार्ड है, तो उसका मेल्टिंग प्वाइंट जो है वो ज्यादा ही होगा। ये तो हुआ आपका। उसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टीज देखते हैं, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या, मतलब एटॉमिक एंड आयनिक रेडी। तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को 3 से 12 ग्रुप में, मतलब 3 से 12 ग्रुप में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो चलिए हम जो है वो पीरियोडिक टेबल में इसे देखते हैं कि कैसे 12 ग्रुप में इसे जो है वो डिवाइड किया गया है। तो जैसा कि अगर हम ग्रुप की बात करें, तो यहाँ पे जैसे कि कहा गया था पॉइंट में कि इसे जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है उसे 3 से जो है वो 12 ग्रुप में जो है वो डिवाइड किया गया है। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक आपके जितने भी एलिमेंट है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो कहलाता है। मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसे जो है वो इस प्रकार ग्रुप में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो अगर हम ग्रुप 3 की बात करें, तो आप इसमें देख रहे हो 21, 39, 57, 89 इस प्रकार के सारे जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट है वो जो है वो आते हैं। तो ग्रुप मतलब ये सीधा होता है कि जैसे कि फोर्थ नंबर के ग्रुप में यहाँ पे जितने एलिमेंट है, तो कहने का मतलब है कि ये वर्ग जिसे हम कहते हैं, तो इसे 3 से 12 ग्रुप में जो है वो इसे जो है वो बांटा गया है डी ब्लॉक के एलिमेंट को। तो अब अगर हम बात करें इसके आयनिक और परमाणुक त्रिज्या की, मतलब एटॉमिक एंड आयनिक रेडी की, तो यहाँ पे आपके ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर जो आयनिक त्रिज्या है उसका मान जो है वो बढ़ते जाता है। मतलब यहाँ पे अगर स्कैंडियम का आयनिक त्रिज्या अगर कम है, तो इसके बाद वाले, इसके नीचे वाले जो भी एलिमेंट है उनका आयनिक त्रिज्या थोड़ा सा जो है वो ज्यादा हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब है कि आपका ये जो द्वितीय और तृतीय ट्रांजिशन सीरीज है, मतलब जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, उनके जो आयनिक त्रिज्या है, मतलब जो भी एटॉमिक रेडी है, उनका मान जो है वो समथिंग सेम रहता है। तो एग्जाम में आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि ये जो द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी है, मतलब सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो आयनिक त्रिज्या है वो समान क्यों होता है, जबकि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसका आयनिक त्रिज्या जो है वो थोड़ा कम होता है। मतलब इसके अपेक्षा अगर हम बात करें तो इसका जो आयनिक त्रिज्या है वो काफी अलग होता है, और इन दोनों का जो है वो आयनिक त्रिज्या जो है वो समथिंग सेम होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए अब हम नोट्स के थ्रू इसे जो है वो और अच्छे से जो है वो समझते हैं।
चलिए हम नोट्स में अब आते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आपको लिखना है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को 3 से 12 ग्रुप में जो है वो डिवाइड किया गया है, जो कि मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। इन ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयनिक त्रिज्या जो है वो बढ़ती है, मतलब जो भी आपका एटॉमिक एंड आयनिक रेडी है वो जो है वो ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में दिखाया हुआ है, तो ऊपर से जब हम नीचे की ओर आते हैं तो उसका जो त्रिज्या होता है वो जो है वो बढ़ते जाता है। लेकिन सेकंड एंड थर्ड संक्रमण श्रेणी मतलब सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट की आयनिक त्रिज्याएं लगभग समान होती है, हालांकि ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो आयनिक त्रिज्या है मतलब जो आयनिक रेडी है उसका वैल्यू जो है वो बढ़ता है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होता है उसका जो त्रिज्याओं का मान जो होता है वो लगभग समान होता है। तो आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? इसका मुख्य कारण है लैंथेनाइड संकुचन मतलब लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन। तो मैंने आप लोगों को लैंथेनाइड सीरीज के बारे में बताया था कि लैंथेनाइड सीरीज आपका क्या कहलाता है। अभी मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइड संकुचन के बारे में जो है वो बताती हूँ, क्योंकि ये जो आयनिक त्रिज्या है मतलब जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो आयनिक त्रिज्या जो सेम होता है इसका मेन कारण जो है वो लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो चलिए हम देखते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन जो है वो क्या होता है। यहाँ पे आप थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में देख रहे हो लैंथेनम जिसका एटोमिक नंबर जो है वो 57 है, और यहाँ पे आप जो देख रहे हो हैफनियम जिसका एटोमिक नंबर जो है वो 72 है। तो आखिर 57 से 72 तक जितने भी एलिमेंट है एटोमिक नंबर वाले वो कहाँ गए? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके फर्स्ट नोट्स में बताया था कि इसे हम जो है वो लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में जितने भी एलिमेंट है उसे हम लोगों ने एफ ब्लॉक के एलिमेंट में जो है वो इंक्लूड कर दिया है, जिसे जो है वो लैंथेनाइड सीरीज कहा जाता है। तो ये जो लैंथेनाइड सीरीज है इनकी जो आयनिक त्रिज्या है वो धीरे धीरे जो है वो कम होती जाती है, जिसे हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन या लैंथेनाइड संकुचन जो है वो कहते हैं। तो ये जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जिनकी आयनिक त्रिज्याओं का मान लगभग समान होता है उनका मुख्य कारण जो है वो लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन के कारण ही इनका जो आयनिक त्रिज्या है वो लगभग जो है वो समान होता है। सो गाइस लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन के बारे में आगे हम और भी ज्यादा अच्छे से जो है वो डिस्कस करेंगे। आपको इस यूनिट में लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन जो है वो नहीं पूछा जाएगा, बट आपको ये पूछा जाएगा कि क्या कारण है कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन के एलिमेंट के आयनिक त्रिज्या का मान जो है वो लगभग समान होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है कि इनके आयनिक त्रिज्या का मान लगभग समान होता है, इनका मुख्य कारण जो है वो लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को वही लिखना है कि सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट की जो आयनिक त्रिज्या है वो लगभग समान होती है, इनका मुख्य कारण लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन के कारण ही ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्याओं की वृद्धि लगभग जो है वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जहाँ पे आप देख रहे हो आयनिक रेडी का मान 0.60 देन 0.72 देन 0.71। तो आप कहने का मतलब है कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का वैल्यू समथिंग सेम रहता है, लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की तो वो काफी अलग हो जाता है। तो यही कारण है कि आयनिक त्रिज्या का मान जो है वो ग्रुप में जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो है वो क्रमशः बढ़ते जाता है, लेकिन थर्ड और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का जो वैल्यू रहता है वो समथिंग सेम रहता है। इसका मेन कारण है लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं आयनन ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सो गाइस ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले बता देती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे। फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते आ रहे हो, काफी स्टूडेंट्स को पता भी होगा, बट जिनको नहीं पता है आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे यहाँ पे आप लोगों को कोई एटम शो हो रहा है, एटम के बीच में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कहा जाता है। बट ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस न्यूक्लियस से काफी अट्रैक्ट रहते हैं, मतलब ये इस न्यूक्लियस के प्रति जो है वो आकर्षित रहते हैं। तो इस आकर्षण के कारण इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें जो है वो थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है और हमें यहाँ पे एनर्जी की जो है वो नीड होती है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है उसे हम आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कहते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि जैसे जैसे नाभिक की आवेश में वृद्धि होती है आयनन ऊर्जा का मान जो है वो बढ़ते जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ आयनन ऊर्जा का मान जो है वो बढ़ता जाता है, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? नाभिकीय आवेश में वृद्धि मतलब आप क्या समझते हो? जैसे कि नाभिक मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के आवेश में वृद्धि
मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर ये न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करके रखे हुए हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जो है वो आवश्यकता होगी। कहने का मतलब है कि अगर ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अच्छे से आकर्षित नहीं किए हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें उतनी एनर्जी की जो है वो आवश्यकता नहीं होगी, हम इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से जो है वो बाहर निकाल लेंगे। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अच्छे से जो है वो अट्रैक्ट हो गए हैं, इनकी जो आकर्षण क्षमता है इस इलेक्ट्रॉन के प्रति अगर काफी ज्यादा होगी, तो इसे हमें बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जो है वो आवश्यकता होती है। तो अब आप लोगों ने क्या समझा कि जैसे नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, मतलब नाभिकीय आवेश में अगर वृद्धि होती है तो आयनन ऊर्जा का मान जो है वो बढ़ता है, नाभिकीय आवेश में जैसे जैसे वृद्धि होता है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी मुश्किल होते जाता है, इसलिए आयनन ऊर्जा मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो है वो यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो सिंपली इस चीज को यही कहा गया है कि जैसे जैसे नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है आयनन ऊर्जा का मान जो है वो बढ़ते जाता है। श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है जिससे आयनन ऊर्जा का मान जो है वो बढ़ता है। अगर मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में दिखाऊं कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जैसे हम बाएं से दाएं की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जो न्यूक्लियर चार्ज है मतलब नाभिकीय आवेश है उसका वैल्यू जो है वो बढ़ते जाता है। और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, तो स्वाभाविक सी बात है वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू भी जो है वो बढ़ जाएगा। डी ब्लॉक के एलिमेंट के आयनन ऊर्जा का मान एस ब्लॉक के एलिमेंट के आयनन ऊर्जा से अधिक और पी ब्लॉक के एलिमेंट से जो है वो कम होता है। तो जैसा कि आपको पता है एक तरफ जो है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं और एक तरफ जो है वो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनका जो वैल्यू है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट के आयनन ऊर्जा से जो है वो काफी ज्यादा होता है और पी ब्लॉक के एलिमेंट से जो है वो कम होता है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो आपके जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसका वैल्यू जो है वो बढ़ते जाता है। तो ये क्लियर हुआ गाइस आप लोगों का। देन उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है और आपको सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब जो है वो बताया हुआ था कि इसका मतलब जो है वो +2, +3, +4 क्या होता है, क्यों होता है। तो अगर अभी तक आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब नहीं पता है तो आप लोग जो इसका फर्स्ट चैप्टर है मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी वाला जो आपका चैप्टर है उसमें टाइटेनियम एलिमेंट का जो वीडियो है वो आप देखिएगा। टाइटेनियम एलिमेंट के वीडियो में मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जो है वो बताया हुआ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होता है, +2, +3, +4 जो है वो क्या होता है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता गाइस तो प्लीज वो वीडियो देखिए, क्योंकि मैं हर नोट्स में आप लोगों को नहीं बता सकती, काफी लंबा चौड़ा ये नोट्स जो है वो बन जाएगा। इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट को आप अगर अभी तक आप नहीं समझे हो तो वीडियो आप जो है वो जरूर देखिए टाइटेनियम एलिमेंट में जा करके। तो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का जो है वो देखेंगे मतलब द्वितीय संक्रमण श्रेणी का। तो जैसा कि आपको पता है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जो है वो 10 एलिमेंट जो है वो आते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो +3 होता है। देन उसके बाद वाला जो एलिमेंट है उसका +2, +3, +4 होता है। यहाँ पे गाइज मैं आप लोगों को देखिए याद करने का इसको छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ। देखिए क्या होगा, ये एक एक करके जो है वो बढ़ते जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पहले में जो है वो +3 है, फिर दूसरे में +2, +3, +4, फिर तीसरे में क्या हुआ +2, +3, +4, +5 यहाँ पे बढ़ गया, फिर उसके बाद इसमें +6 बढ़ गया, इसके बाद यहाँ पे जो है वो +7 हो गया, फिर इसमें जो है वो +8 हो गया, यहां तक आपका बढ़ा। उसके बाद जो है वो धीरे 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 जो है वो कम होता चला जाएगा, मतलब यहां से जो है वो कम होते जाएगा। जैसे कि इसमें जो है वो +2, +3, +4, +5, +6 है, देन इसमें केवल +2, +3, +4 है, उसके बाद इसमें केवल +1, +2, +3 है, और इसके बाद यहाँ पे केवल +2 है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसे छोटा मोटा ट्रिक लगा करके अगर आप इसे याद करोगे तो बहुत जल्दी आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो याद हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इसमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो केवल आप लोगों को कॉलम बना करके नहीं आना है, इसके बारे में कुछ कुछ चीजें जो है वो लिखना है। तो आप लोगों यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जैसे कि अगर हम बात करें जिरकोनियम की तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जैसे कि जिरकोनियम है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, +3, +4 होता है। इस टाइम
वेबसाइट से आप जो है वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसे बना बना करके जो है वो लिख सकते हो। जैसे कि इस प्रकार के जो एलिमेंट है उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो काफी ज्यादा होता है। इसमें जो अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +8 होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा थ्योरी टाइप से आप लोगों को केवल यहाँ पे लिखना है। कहने का मतलब है केवल आप लोगों को कॉलम नहीं बनाना है, कॉलम तो आप बनाओगे ही, ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप लिखोगे ही, लेकिन इसके बारे में केवल आपको 2 से 3 या 4-5 लाइन जो है वो आप लोगों को इसके बारे में जो है वो लिख देना है। क्लियर हुआ गाइस? अब हम देखते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। प्रकार अगर हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में देखें तो यहाँ पे भी आपके जो है वो 10 एलिमेंट है। 10 एलिमेंट का भी आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लिखना है। सेम यही ट्रिक जो है वो यहाँ पे भी लागू होगा कि आपको एक एक करके जो है वो इसे थोड़ा सा बढ़ाते जाना है, फिर उसके बाद इसे धीरे धीरे जो है वो कम करते जाना है। तो इस प्रकार आप इसे भी जो है वो याद कर लीजिएगा और इसके बारे में भी थ्योरी टाइप से 3-4 लाइन आपको जो है वो लिख देना है। यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +8 होता है और किसी किसी में जो है वो +1 +1 भी आता है। तो ये सब चीज जो है वो 2-3 पॉइंट बना करके लिख देना। जैसे कि आप लोगों को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में पता ही है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में आप लोगों को क्या क्या लिखना होता है, तो इससे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये तो होगा इस आपको ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम इसमें कलर की बात करते हैं, मतलब रंग की बात करते हैं। ओके, तो कलर क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट के आयनिक, कई आयनिक तथा सहसंयोजी यौगिक जो है वो कलरफुल होते हैं। तो क्या कारण है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट के जो भी कंपाउंड बनते हैं, जो भी इनके आयनिक यौगिक बनते हैं, वो जो है वो कलरफुल होते हैं? तो इसके कलरफुल इनके कंपाउंड होने के बहुत सारे कारण होते हैं। तो हम यहाँ पे निम्नलिखित कारण देखते हैं। सबसे पहला N-1D उपकोष। तो जैसे कि अगर हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे तो उसमें जो है वो 4D ऑर्बिटल आ जाएगा, और अगर हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे तो उसमें 5D ऑर्बिटल जो है वो आ जाएगा। तो ये जो 4D और 5D ऑर्बिटल होते हैं, हमें पता है, मैंने आप लोगों को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बताया था कि ये जो आपके 4D और 5D ऑर्बिटल होते हैं वो आधे भरे होते हैं, मतलब इनमें जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो काफी ज्यादा होती है। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकतर एलिमेंट में जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण इनमें जो है वो डीडी ट्रांजिशन होता है, मतलब डीडी संक्रमण होता है, जिससे यौगिक जो है वो कलरफुल हो जाता है। तो अगर आप लोगों को इस टाइप से क्वेश्चन कभी आता है कि डी ब्लॉक के अधिकतर एलिमेंट जो है वो कलरफुल क्यों होते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इनमें जो है वो जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो आधे भरे होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो है वो डीडी ट्रांजिशन होता है और ये जो कंपाउंड है वो कलरफुल होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो Ti(H2O)+ आयन जो होते हैं वो बैगनी कलर के, पर्पल कलर के जो है वो होते हैं। आगे हम सेकंड देखें, यौगिक के ठोस अवस्था में पाए जाने वाले संरचना में किसी डिफेक्ट के कारण भी यौगिक, मतलब जो कंपाउंड के जो कलर है उसमें जो है वो कलर उत्पन्न होता है। तो जैसे कि आप इस प्रकार के कंपाउंड में देख रहे हो WO3, तो ये जो होता है वो येलो कलर का होता है। मतलब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट के जो भी कंपाउंड है अगर वो ठोस अवस्था में है, जैसे कि आपको पता ही है कि मेटल है, धातु है, कठोर है, ठोस है, तो कई बार क्या होता है इसकी संरचना में जो है वो कुछ डिफेक्ट पाया जाता है, कुछ त्रुटियां पाई जाती है। तो उस त्रुटि के कारण भी वो जो कंपाउंड है वो कलरफुल होते हैं। इसके अतिरिक्त कई एलिमेंट का कलर ध्रुवण के कारण भी उत्पन्न होता है, मतलब उसमें पोलैरिटी प्रेजेंट होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट में, तो इसके कारण भी जो है वो कई प्रकार के कलर जो है वो यहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डी ब्लॉक के एलिमेंट अधिकतर कलरफुल क्यों होते हैं, तो ये तीनों कारण को आप जो है वो लिख सकते हो। लास्ट में हम देखते हैं इसके चुंबकीय गुण, मतलब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो गाइस, आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में जो है वो ज्यादा स्टडी किया गया है। जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होते हैं उसमें हमें पता है कि उसमें जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग पहले ही बताया कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ब्लॉक के जो भी ऑर्बिटल होते हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। इस कारण अगर हम इसके चुंबकीय गुण की बात करें, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें, तो इसमें जो है वो पैरा मैग्नेटिज्म जो है वो पाया जाता है। तो ये हुआ गाइस आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज।
मैंने आप लोगों को यहाँ पे 6 से 7 प्रॉपर्टीज बताया। अगर इतना भी आप एग्जाम के लिए तैयारी करते हो तो काफी है। आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप लोग जो है वो टाइटेनियम एलिमेंट का वीडियो जो है वो देख लीजिएगा, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।